आपको पता है कि लोग बोलते थे कि हरियाणा में लड़कियों को बाहर नहीं निकालते हैं, अभी उसी हरियाणा में हम बैठे हैं, लड़कियों को बाहर नहीं, बाहर निकाल के उनके पीछे ताकत देने का काम कर रहे हैं। जब हम पहले दिन बैठे थे तो हमें ये डर था कि हम एक ऐसे मुद्दे को लेके बैठे हैं कि शायद हमारे घरवाले भी आके हमें मारेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि एक ऐसी लड़ाई थी जो इतने सालों तक लड़कियां इस दुख और दर्द में सहन कर रही थी, आत्मा रोती थी अंदर से, जैसे आप लोग 13 महीने बॉर्डर पे बैठे जब दुखी हो रहे थे तो आत्मा रो रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, हम बहुत लाचारी महसूस हो रही थी, ऐसे ही 12 साल से हम लाचार महसूस कर रहे थे, एक एक दिन ऐसे लग रहा था कि या तो मर जाए या कुछ कर जाए। 12 साल लगे हमें बोलने में ऐसे दरिंदे के खिलाफ में जो लड़कियों को बिल्कुल नोच नोच के खा रहा था। आप सबको पता है कि आप सब कितना लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, जमीन बेच देते हैं, अपना खुद खाना नहीं खाते लेकिन बच्चों को देते हैं ताकि वो पहलवान बन जाए या कोई भी बड़ा खिलाड़ी बन जाए, ओलंपिक में मेडल ले आए। और वो आदमी ऐसे नोच के खा रहा था, लड़कियां घर पे भी नहीं बता पा रही थी कि हमारे साथ में हो रहा है तो हो क्या रहा है। बहुत सारी लड़कियां आके सामने रोती थी दीदी ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन फिर वही मजबूरी में उनके साथ बैठ के हम भी रो लेते थे कि चलो थोड़ा सा दुख दर्द अपना कम कर लेते हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। एक दिन ऐसा मौका आ गया कि अभी या तो कर लेंगे या मर जाएंगे। जब पहली बार बैठे तो हाथ पे जान लेके बैठे थे कि हम अब मरने के लिए तैयार है, लेकिन अभी कोई जान लेने वाला ही नहीं मिल रहा हमें, सब कुछ चुप बैठे हैं, हर कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए ये कर दिया, बेटियों के लिए वो कर दिया, मेडल लेके आते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, तब हमें ये लगा था कि ओह देश में तो बहुत इज्जत होती है मेडल वालों की। लेकिन अभी 1 महीने से रोड पे बैठे हैं, अभी पता चल गया कि ये जो तंत्र जंतर जितने भी हैं वो कितनी इज्जत करती हैं बेटियों की। दुख होता है बहुत कि आप लोगों को भी हम दुखी करें, आपने जन्म दिया है, इतना बड़ा किया है, इस मुकाम पे पहुंचाया है, फिर उसी सड़क पे आके हम बैठ गए, आप लोगों को दुखी कर रहे हैं, लेकिन तिरंगे की आन और बान और शान की लड़ाई है। एक विश्वास मैं आप सबको दिलाना चाहती हूँ, यहां से जान चली जाएगी लेकिन शान को नहीं जाने देंगे। आप लोग तो पीछे खड़े हो ना, बस अब ये पता कि अगर हमें कुछ हो गया तो आप इस लड़ाई को हारने नहीं दोगे। आप लोगों ने 13 महीने जो संघर्ष किया था, जो जीत का एक मादा सिखाया था, मैट पे तो जीतने का आप लोगों ने हिम्मत दिया था कि बेटा कुछ नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन यहाँ हार नाम का कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, सिर्फ जीत और जीत हमारे लिए रास्ता है। तो आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के अपील है, मुझे पता है कि अपने परिवार से ऐसे हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, अपील भी नहीं करते हैं, आप लोग हमारे साथ खड़े हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 28 तारीख को जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, खाप पंचायतों ने, किसान संगठनों ने, जितने लोगों ने, बड़ों ने फैसला लिया है कि 28 तारीख को हम जाएंगे और संसद भवन के सामने हम महापंचायत करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग वहां पे आए और पूरे देश को दिखना चाहिए कि हम अपनी बेटियों के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन आत्म सम्मान की अगर लड़ाई आई तो आत्म सम्मान हमारे सबसे पहले है। 28 तारीख को आप लोग आओगे तो एक अपील जरूर है मेरी, जैसे 13 महीने किसान आंदोलन में आपने शांति और अनुशासन का पालन किया था, कोई भी ऐसी चीज जो सरकार चाहती है या जो ब्रजभूषण चाहता है कि हम गलत करें, उसको बचने का मौका मिल जाए, वो गलती हम ना करें। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी लड़ाई कमजोर हो जाए या हमारे ऊपर बात आ जाए या ब्रजभूषण को बचने का मौका मिल जाए। तो शांति प्रिय तरीके से अगर हम जाएंगे, अगर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो जीत ज्यादा दूर नहीं है, और अगर आज हम यहाँ से जीत गए तो वो ओलंपिक मेडल से भी बड़ी जीत होगी, वो आने वाली जितनी भी बच्चियां हैं जो रोती थी वो सामने मुस्कुराएंगे तो हमारा भी दिल मुस्कुराएगा कि हमने कुश्ती के लिए कुछ किया है। हमारे गेम सामने है बिल्कुल, पेरिस ओलंपिक हम खेलना चाहते हैं, लेकिन हम हर वो चीज दांव पे लगा सकते हैं सिर्फ इसीलिए कि हमारे आने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं वो ये ना बोले कि हमारे जितने बड़े पहलवान थे वो मेडल लेके घर तो बैठ गए लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करके गए। हम उनके लिए करके जाना चाहते हैं, उनके मातम सम्मान को हम बचाना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने झेल लिया वो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो भी फोटो खिंचवाते हैं कि दीदी आपके जैसे बनना है, उनका वो सपना ना टूट जाए कहीं। आप लोगों का आत्मविश्वास कहिए ना टूट जाए कि हमें खिलाड़ी बनाए या नहीं बनाए इनको, आप खिलाड़ी बनाओ, आप ताकत के साथ में खिलाड़ी बनाओ, उस जोश के साथ में खिलाड़ी बनाओ, आगे का रास्ता वो हम क्लियर करेंगे। ब्रजभूषण एक है ये तो, लेकिन जितने दरिंदे बैठे हैं हम सबको मारने का काम करेंगे। ये सिर्फ कुश्ती में नहीं है, ये हर एक उस फील्ड में है, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन
बताता है लेकिन कभी बोल नहीं पाता है क्योंकि पता है कि सामने पावर बहुत बड़ी है, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज भी खिलाड़ी डर रहे हैं कि हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से उनको बताना चाहती हूँ। सब लोग देख भी रहे होंगे, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, एक आवाज देने की आपको बस एक जरूरत है। अगर आप खुद में विश्वास बढ़ाओगे तो आप जैसे लोग हजारों खड़े हैं जो हमारी ताकत बढ़ने का काम कर रहे हैं, और आपने जो जब हम मेडल लेके आते हैं तब वो हौसला बढ़ाते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि उससे भी ज्यादा आप हौसला आज दे रहे हो, उससे भी ज्यादा आप लोग ताकत में यहाँ आए हो। तो अभी हमें बोलने हमें हर दिन शंका होती है कि हम जीत भी पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से हमें मारने की कोशिश की जा रही है कि इनको कैसे तोड़ा जाए, इनको कैसे पीछे हटाया जाए, लेकिन आज हमें विश्वास हो गया कि अभी जीत ही जीत हमारा रास्ता है। मैं आप सबकी बहुत तहे दिल से गुजारी रहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं ये लड़ाई जीतने के बाद भी हम मेडल जीत के लेके आए, और जो लोग बहुत ब्रजभूषण बोल रहा ना ये खत्म हो गए, उनको भी दिखाना चाहते हैं कि हम खत्म नहीं हुए हैं, आत्मसम्मान की लड़ाई के बाद में मैदान पे भी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और बस मैं यही बोलूंगी कि हमारी मिट्टी हमारा खून इतना कमजोर नहीं है कि ऐसी लड़ाई भी हम ना जीत पाए। धन्यवाद आप सबका। जितने आज उड़े बैठे हो इस बेटी का साथ दे दो, बोर्ड के लिए बेटी का शोषण नहीं होगा। जितने भी भाई हमारे युवा भाई अपनी बाना का पाछा खड़े हो जो, अपनी बाना की इज्जत कर सीख जो, इन दरिंदा ने इन बीजेपी के बलात्कारी मंत्रिया ने भाई पकड़ पकड़ के आपे भी तरगेड़ा ने, सरकार का बस की बात होनी ना प्रशासन का बस की बात है। और मैं तेन कहू विदेश में भाई बजरंग भाई ऐलान करते आर पार की लल खेतर भाई हमें जो मारे खिलाड़ी और के कोई ब्रजभूषण ये 15 रुपया का